हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि 5G अभी लॉन्च हो चुका है, जिसमें जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने हमारे कंट्री में लॉन्च कर दिया है 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G के लिए कौन कौन सी ये फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है? 5G का बेनिफिट यही है कि एक बहुत ही वाइडर रेंज में ये काम करता है। जो जिस फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड मतलब ये 1 GHz से बिलो फ्रीक्वेंसी पर भी काम करता है। एग्जाम्पल के लिए 700 और 800 MHz, जो जियो अभी ऑक्शन में इसका बैंड खरीदा भी है। मिड बैंड में आता है 1 to 6 GHz, इसमें अभी जियो खरीदा है ये एग्जाम्पल के लिए 3300 MHz या 3.3 GHz बोल सकते हैं। हाई बैंड का रेंज क्या है? हाई बैंड 24 GHz से लेकर 52 GHz तक। अभी जो ऑक्शन हुआ था वो 26 GHz का हुआ था, जिसमें ये लोग लिया है, जियो भी लिया है, एयरटेल भी लिया है, वीआई भी लिया है। तो एक वाइडर रेंज में काम करता है। तो आते हैं हम स्टार्टिंग में 5G आर्किटेक्चर के बारे में। ये तो था ऑपरेटिंग बैंड, कौन कौन सा ऑपरेटिंग बैंड पर काम करता है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, तो इसके आर्किटेक्चर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक हो गया स्टैंड अलोन, एक हो गया नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब ये हो गया कि ये अकेले है, केवल टोटल 5G नेटवर्क लगा हुआ है। मतलब 5G रैन भी है, NG रैन भी है और NG कोर है, सेपरेटली किसी के साथ कोई शेयरिंग नहीं है। नॉन स्टैंड अलोन क्या है कि वो शेयर करेगा, या तो रैम शेयर करेगा या फिर कोर शेयर करेगा विथ 4G, जो भी उसके साथ सपोर्टेबल लगा। 4G उसके साथ सपोर्टेबल है, तो मान लेते हैं कि 5G का कोर है और उसमें 4G का मेरा BTS कनेक्ट है, तो वो कहलाएगा नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन हो गया, नॉन स्टैंड अलोन हो गया। तो नॉन स्टैंड अलोन में भी केस बहुत सारे बनते हैं। एक तो 4G के कोर में हम 5G का रैन है, फिर अलग तरह से इसको आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी तरह से देख सकते हैं कि इसमें इंटरफेस कैसे यूज हो रहे हैं। तो इंटरफेस के हिसाब से हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट आर्किटेक्चर और सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेफरेंस पॉइंट आर्किटेक्चर में जितने भी मेरे सारे नेटवर्क एलिमेंट होंगे, मेनली जो भी सारे एलिमेंट हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस से आपस में कनेक्ट होंगे। सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में क्या होगा? सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में कि जो कंट्रोल प्लेन है, उसमें जो है वो सारे जो है नेटवर्क एलिमेंट पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस को रिप्लेस करके एक बस आर्किटेक्चर, या बोलेंगे उसको API इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं सारे नेटवर्क एलिमेंट जो कंट्रोल प्लेन के हैं। 4G और 5G में एक मेन डिफरेंस यही आ गया कि 4G में जैसे सर्विंग गेटवे, पी गेटवे, कंट्रोल सिग्नलिंग के भी कुछ फंक्शन सर्व करते थे, तो कुछ एलिमेंट हो गए, बाकी MME, HSS, वो सारे तो कंप्लीटली जो है वो कंट्रोल प्लेन के लिए वर्क करते थे। लेकिन सर्विंग गेटवे और PGW, पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे, ये आपका कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन दोनों के लिए यूज होते थे, तो उसमें सेपरेट नहीं था। मतलब कुछ जो नेटवर्क एलिमेंट थे वो यूजर प्लेन और कंट्रोल प्लेन दोनों शेयर करते थे। लेकिन 5G में क्या है कि इसमें कंप्लीटली जो है कंट्रोल प्लेन अलग है और आर्किटेक्चर और यूजर प्लेन का आर्किटेक्चर अलग है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कंपोनेंट कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। पहला हो गया यूवी, यूजर इक्विपमेंट। यूजर इक्विपमेंट क्या हो गया? एक डिवाइस है जो 5G नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। NG रैन, नेक्स्ट जनरेशन रैन हो गया। UPF, यूजर प्लेन फंक्शन, ये आपका कंप्लीटली जो है डेटा ट्रैफिक को कैरी करने के काम आएगा, और UPF कनेक्ट होता है आगे अदर नेटवर्क से, डाटा नेटवर्क से। AMF, एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक्सेस और मोबिलिटी मैनेजमेंट का काम करेगा।
जैसे कनेक्शन मैनेजमेंट हुआ, आपका टीम मैनेजमेंट फंक्शन, नेटवर्क एक्सेस काम करने का काम करेगा, मतलब जो मेरा एनजी डैन है वो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो पहला पॉइंट होगा वो एमएफ से कनेक्ट होगा। एमएफ आपका जस्ट लाइक एमएमई है। एसएमएफ सेशन मैनेजमेंट फंक्शन, ये आपका क्यूएस कंट्रोल करेगा, यूपीएफ सिलेक्शन का काम करेगा, ये सारे फंक्शन इसके होंगे। ये जैसे 4G में पहले सर्विंग गेटवे जैसा था, तो सर्विंग गेटवे की जगह यहाँ पे एसएमएफ हो गया। पीसीएफ पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन, ये पॉलिसी रूल डिसाइड करेगा, जैसे पीसीआरएफ था 4G में, जस्ट लाइक पीसीएफ है। यूडीएम यूनिफाइड डाटा मैनेजमेंट, ये जस्ट लाइक 4G में एचएसएस है, ये यूजर का आइडेंटिटी रहेगा, उसका प्रोफाइल इसमें सेव रहेगा। अब आता है एएफ एप्लीकेशन फंक्शन, ये भी 4G में जैसे था सेम है कि अदर नेटवर्क को जो भी एक्सेस करना होगा तो वो एप्लीकेशन फंक्शन के थ्रू एक्सेस होगा। AUSF ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, ये ऑथेंटिकेशन का काम करेगा। अब यहाँ पे एचएसएस का काम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एचएसएस इज इक्वल टू UDM प्लस AUSF। एचएसएस पहले ऑथेंटिकेशन और सारा फंक्शन करता था, यूजर आईडी आइडेंटिटी सब कुछ उसमें सेव रहता था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गए। AUSF NSSF नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन, नाम से क्लियर है कि इसका काम है कि नेटवर्क, इसमें जैसे अभी 5G में नेटवर्क स्लाइस कई तरह के होते हैं, जैसे QoS की तरह ही नेटवर्क स्लाइस होते हैं कई तरह के, किस तरह का हमको सर्विसेज चाहिए, हाई लेटेंसी, लो लेटेंसी, हाई थ्रूपुट, लो थ्रूपुट, गारंटीड बिट रेट, उसी तरह का। तो वो सिलेक्शन जो है कि कौन सा यूजर को सर्विस चाहिए, उसका डिसीजन NSSF लेगा। NEF नेटवर्क एक्सपोजर फंक्शन, नाम से क्लियर हो रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा। ये जो नॉन 3GPP नेटवर्क हैं, जो अदर नेटवर्क हैं, जैसे मेरा कंप्लीट आर्किटेक्चर OSS से कनेक्ट होगा, BSS से कनेक्ट होगा, तो वो NEF के थ्रू कनेक्ट होगा। एप्लीकेशन फंक्शन के पास पहले वो रिक्वेस्ट आएगा, फिर वो फॉरवर्ड कर देगा NEF को। तो NEF जो है, जो नॉन 3GPP नेटवर्क है उनको भी कनेक्ट करेगा। NRF नेटवर्क रिपोजिटरी फंक्शन, नाम से ये क्लियर हो रहा है कि ये देखिए NRF क्या करेगा कि जो भी मेरा सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर में जो भी मेरे नेटवर्क एलिमेंट हैं, जैसे MF है, जो भी है सारे, तो उनका एड्रेस इसमें रजिस्टर होता है। तो इसको पता होता है कि कहाँ जो रिक्वेस्ट आई है उसको कहाँ में फॉरवर्ड करना है। 2 AMF है, 3 AMF है, तो उन सभी का इसके पास एड्रेस जो है रहता है। तो ये एक तरह से एड्रेस बताता है। ये थोड़ा फंक्शन इसका SLF की तरह हो गया, कुछ माइनर फंक्शन जो है SLF की तरह हो गया। तो ये मेरे मेन कंपोनेंट है 5G नेटवर्क के। अब जैसा कि हम बोले कि 5G का आर्किटेक्चर हम दो तरह से देख सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट और एक आपका सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। तो बताया कि रेफरेंस पॉइंट आर्किटेक्चर में जो मेरे सारे नेटवर्क एलिमेंट हैं वो पॉइंट टू पॉइंट इंटरकनेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देख रहा है कि ये मेरा तो UE हो गया, जो मेरा 5G सपोर्टेड है। UV तो मेरा G-Node-B से ही, और ये G-Node-B जो हो गया नेक्स्ट जनरेशन Node-B, ये मेरा हो गया रेडियो एक्सेस नेटवर्क, या इसको NG-RAN बोलेंगे। बाकी सारा पोर्शन ये सारा कोर पार्ट हो गया, NG कोर बोलिए, नेक्स्ट जनरेशन कोर। अब NG कोर में दिख रहा है आपको AMF, SMF, UDM, PCF, UPF, G-Node-B। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट सारा जो है, ये सारा कंट्रोल प्लेन में वर्क करेगा। ये नीचे UPF जो है, ये आपका यूजर प्लेन के लिए डाटा नेटवर्क में। तो G-Node-B कनेक्ट होगा UPF से N3 इंटरफेस के थ्रू, और UPF जो है फिर डाटा नेटवर्क, जो भी अदर डाटा नेटवर्क है उनसे कनेक्ट होगा N6 इंटरफेस के साथ।
एक यूपीएफ दूसरे यूपीएफ के साथ N9 इंटरफेस के साथ करेक्ट रहता है। फिर कंट्रोल में आते हैं, जी नोड भी आपका AMF से एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन के साथ जो है कनेक्ट है N2 इंटरफेस के साथ। फिर AMF जो है UDM के साथ कनेक्ट है N8 इंटरफेस के साथ। SMF भी UDM से कनेक्ट है, यूनिफाइड डाटा मैनेजमेंट N10 इंटरफेस के साथ। और SMF फिर PCF पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन के साथ कनेक्ट है N7 इंटरफेस के साथ। फिर AMF जो है आपका PCF के साथ भी कनेक्ट है, वो N15 इंटरफेस के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ और जो नेटवर्क एलिमेंट हैं, NSSF नेटवर्क स्लाइस सिलेक्शन फंक्शन, AUSF ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन और एप्लीकेशन फंक्शन। तो ये हमको इंटरफेस दिख रहे हैं, ये N3 के साथ हो गया यूजर प्लेन में। जब भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो जो भी मेरा यूजर डेटा जो है फ्लो होगा, वो एक टनल बना लेगा और ऐसे फ्लो होता रहेगा। जब हम इसका कॉल फ्लो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो कंप्लीट और ज़्यादा मतलब क्लियर होगा किसका क्या क्या फंक्शन है। अभी बस नेटवर्क एलिमेंट के बारे में हम जान रहे हैं कि कौन कौन से मेन नेटवर्क एलिमेंट है और कैसे वो इंटरकनेक्ट रहते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं, जी नोड भी AMF से कनेक्ट है N2 के साथ। यहाँ एक और इंटरफेस देख रहा है N1, जो दिखा रहा है कि यूवी AMF के साथ। यूवी डायरेक्टली AMF के साथ कनेक्ट नहीं होता है, यूवी वाया कम्युनिकेट करेगा जी नोड बी के साथ, जी नोड बी के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। बस ऐसे है कि पड़ोसी के यहाँ से रास्ता जाता है, लेकिन हमको पड़ोसी के बगल वाले के यहाँ जाना है, तो हम उसी के घर से होके जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई बात नहीं कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं इससे, रास्ता मेरा यही होके जाएगा, लेकिन हम इससे बात नहीं कर रहे हैं। तो यूवी जब डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है AMF से, तो वो इंटरफेस कहलाता है N1 इंटरफेस। और जब इसके थ्रू बात कर रहा है, तो वो N2 इंटरफेस, मतलब इससे भी बात कर रहा है, तो N2 इंटरफेस। फिर N3 इंटरफेस जो है आपका UPF से बात कर रहा है जी नोड भी। और बाकी तो हम देख चुके, AMF जो है SMF से कनेक्ट होगा N11 इंटरफेस से, SMF PCF से N7 से। अब PCF जो है एप्लीकेशन फंक्शन से कनेक्ट होगा N5 इंटरफेस से। SMF UDM से कनेक्ट होगा N10 इंटरफेस से। UDM फिर AMF से भी कनेक्ट होगा N8 इंटरफेस से। और AMF फिर AUSF से भी कनेक्ट होगा N12 इंटरफेस से। लगभग सभी जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हो गया, सब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस हो गया, कनेक्ट है। अब हम अगला सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर पे आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मेरा बस आर्किटेक्चर बन गया, इसको बोलते हैं API इंटरफेस। यहाँ जो इंटरफेस थे वो सेम है यूजर प्लेन के लिए। जी नोड भी कनेक्ट है UPF से N3 इंटरफेस से। फिर UPF डाटा नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है N6 इंटरफेस से। और ये SSL मैनेजमेंट फंक्शन जो है UPF से, UPF को जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो दे रहा है N4 इंटरफेस के थ्रू जो है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लेन में एक बस आर्किटेक्चर या API इंटरफेस हमने क्रिएट किया। अब इस API इंटरफेस में सभी कनेक्ट हैं, NSSF AUSF UDM NEF NRF और इधर से AMF SMF PCF AF। सबका अपना एक IP एड्रेस होगा, सब एक दूसरे से फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी इस बस के थ्रू सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अभी इसमें जिससे जिसको जो कम्युनिकेट करना है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। सबके पास सबकी अपनी अपनी अलग अलग आईडी है, तो उस आईडी के थ्रू ये कनेक्ट कर लेगा। तो ये हो गया मेरा सर्विस बेस्ड आर्किटेक्चर। इसमें बस के थ्रू एक या API इंटरफेस के थ्रू सारे कनेक्ट हैं। और ये हो गया मेरा रेफरेंस पॉइंट आर्किटेक्चर। तो आज हम जाने कि 4G आर्किटेक्चर में मेन जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं और वो कौन कौन से इंटरफेस से कनेक्ट हैं। आगे हम डिटेल में जब इसका कॉल फ्लो पढ़ेंगे, तो इसमें डिटेल में जाएंगे कि किसका क्या क्या एग्जैक्टली फंक्शन है, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लियर ऐसे हो जाता है कि जी नोड भी जस्ट लाइक ई नोड भी, जो LTE में पढ़े थे 4G नेटवर्क में। UPF आपका पी गेटवे की तरह वर्क कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये कंप्लीटली
यूजर प्लेन में काम करता है, वो कंट्रोल प्लेन और यूजर प्लेन दोनों के लिए काम कर रहा था। SMF सर्विंग गेटवे काम कर रहा था, सर्विंग गेटवे का कंट्रोल वाला पार्ट का काम कर रहा है ये, उसमें सर्विंग गेटवे दोनों वर्क कर रहा था। AMF जस्ट लाइक MME का काम कर रहा है, और AUSF और UDM ऑथेंटिकेशन सर्वर फंक्शन, इसमें की जनरेट होता है, और UDM जो यूजर आईडी, यूजर का जो आइडेंटिटी रहता है, एड्रेस रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, वो UDM में सेव रहेगा। ये दोनों मिला के मेरा HSS का फंक्शन कर रहे हैं, और NSSF न्यू हो गया, ये 4G में नहीं था। PCF पॉलिसी कंट्रोल फंक्शन, उसमें PCRF था, सेम है। एप्लीकेशन फंक्शन 4G में सेम था। नए जो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं NSSF, NEF, NRF, ये तीन फंक्शन नए दिख रहे हैं कॉल फ्लो में। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से जान पाएंगे कैसे कॉल फ्लो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।